उत्तर प्रदेश के राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर प्रकाशित की है दैनिक भास्कर ने। इसमें कहा गया है कि यूपी विधानसभा चुनाव आखिरी छोर तक पहुंच चुका है, सिर्फ एक चरण की वोटिंग बची है, सरकार किसकी बन रही है इसका तो अभी इंतजार है, लेकिन नौकरशाही में हलचल मच चुकी है। ताजा उदाहरण अयोध्या के डीएम आवास के बोर्ड के बदलते रंगों से ही ले सकते हैं। रामनगरी से चली बयार से लखनऊ अछूता कैसे रह सकता है। बड़े ब्यूरोक्रेट्स अखिलेश से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं, कुछ पुराने रिश्ते याद दिलाना चाहते हैं तो कोई नए रिश्ते की नींव रखना चाहता है। ये दृश्य इसलिए भी दिखने लगे हैं क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स सियासत के मौसम को बाखूबी समझते हैं। रोचक तथ्य यह है कि कल तक जो सीएम योगी के सबसे करीबी अधिकारियों में शामिल थे, वह अब अखिलेश यादव से एक मुलाकात करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। कोई सीधे फोन करके बात कर रहा है तो कोई सहयोगी के जरिए अखिलेश तक पहुंचना चाहता है। ब्यूरोक्रेट्स इतनी परेशानी तब उठा रहे हैं जब यूपी की सत्ता पर कौन बैठ रहा है यही तय नहीं है। सपा सूत्रों का दावा है कि पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अफसर अब तक मुलाकात भी कर चुके हैं। सपा के बड़े नेता का दावा है कि योगी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले एक सीनियर आईएएस अफसर अखिलेश से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी अंदर खाने चल रहा है कि अखिलेश फिलहाल उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ सपा नेताओं का दावा है कि पुलिस महकमे के भी कई अफसरों से अखिलेश की मुलाकात हो चुकी है, कुछ खास इश्यू पर उनकी चर्चाएं भी हुई हैं। इसके साथ ही अखिलेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली महिला आईएएस भी सपा सुप्रीमो के संपर्क में हैं। अब जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक अखिलेश सरकार में पंचम तल पर रहने वाले अधिकारियों को लगता है कि वो दोबारा सीएम बन सकते हैं, इसलिए अभी से अपनी कुर्सी पक्की कर लेना चाहते हैं। खबर ये भी है कि कुछ अधिकारी अखिलेश सरकार के मुख्य सचिव रहे सीनियर आईएएस आलोक रंजन के जरिए अखिलेश खेमे में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हैं। आलोक रंजन फिलहाल अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और माना जा रहा है कि अगर सपा की सरकार बनती है तो उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाएगी। अयोध्या के डीएम आवास के बोर्ड का रंग बुधवार को बदल दिया गया था। पहले वह भगवा था, उसके बाद फिर हरा हो गया, फिर कुछ जानकारी मिल रही है कि फिर से उसका रंग जो है भगवा कर दिया गया है। लेकिन अगर इस खबर की माने तो इसमें कहा गया है कि इस बदलते रंग को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं में लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है क्या। यूपी में भगवा से भाजपा को, हरा रंग को सपा से जोड़ा जाता है। हालांकि गुरुवार को एक बार फिर डीएम का बोर्ड का रंग हरा से लाल कर दिया गया है। सियासत में रंगों का अपना अलग ही महत्व होता है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही रंग बदलने लगे। सरकारी बिल्डिंग से लेकर मंत्रियों के आवास का रंग भी बदला। रंगों में बदलाव कुर्सियों और उन पर सजने वाले तौलियों तक में दिखाई दिया। सड़क से लेकर चौक चौराहों पर लगे बोर्ड तक सब कुछ जैसे भगवामय हो गया। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद डीएम आवास के बोर्ड का रंग भगवा हो गया था। अयोध्या और वाराणसी में कई सारे भवनों को भगवा रंग दिया गया, लेकिन चुनाव के आखिरी पड़ाव में डीएम के बोर्ड के बदलते रंग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कई अधिकारी भी सियासत के मौसम वैज्ञानिक होते हैं। अब देखना यह होता है कि आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा जब मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथी।